हेलो जी, राम राम जी, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों बताइए कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आज के न्यू व्लॉग में। और सुबह के बज चुके हैं जी 6:30 बजने वाले हैं और बच्चों की बस आने वाली है 10 मिनट के अंदर अंदर। तो जी बच्चे रेडी हो गए, मिलो जी बच्चों से। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी ना न्यू क्लास में फर्स्ट डे है। गुड मॉर्निंग। कौन बोलेगा? आप भी बोलो। राम राम जी बोलो। राम राम जी। और मिलिए जी देवाशीष से भी। और देखिए बच्चे रेडी हो चुके हैं स्कूल जाने के लिए और बस आ जाएगी बच्चों की। मुझे नहीं दारी। चलो चलो। तो गाइस जब इनको लंच वगैरह दे देती हूँ फटाफट से, कभी लंच छूट जाए क्योंकि आज फर्स्ट डे है। तो भैया फटाफट से तैयारी करते हैं। चलो चलो, बस आने से पहले नीचे पहुंच जाओ आज, ठीक है? तो गाइस देखिए बच्चे रेडी हो गए जी स्कूल जाने के लिए, बस आने वाली बच्चों की। और आज से इनके साथ एक फ्रेंड और बढ़ गई इनकी। अब ये तीन जाया करेंगी और एक अलग से, तीन चार बच्चे जाया करेंगे। तीन गर्ल्स होगी, एक बॉय हो गया साथ में। बहुत आराम से उतरो, कोई नहीं वो रुकेगी गाड़ी एकदम नहीं जाने की। आराम से उतर जाओ। बाय दिशु, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना। ओके बेटा, प्यार से रहना। जाओ तो भाई देखे बच्चे तो चले गए और मौसम हो रहा थोड़ा खराब सही, बादल से हो रहे। तो जी अब झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं क्योंकि 6:30 बस बच्चों की 6:30 आ जाती है सुबह ही सुबह। अब इनके जाने के बाद होगा जो भी कुछ होगा, पहले इन्हें भेजने की तैयारी करनी पड़े। अब देखिए नीचे भी चल गया जी साफ सफाई का काम। गाय माता को मिलाया जा रहा, पापा जाएंगे खेत में और पतिदेव निकल रहे ऑफिस के लिए। तो भाई देखिए बच्चे तो चले गए जी स्कूल में और आज 2 दिन से हमारा दूध यानी आ रहा दूध लेने के लिए। तो जी दूध हो रहा काफी, तो इसलिए आज हमने अपना दूध जो हमारा शाम का बच्चा हुआ था वो इसमें रख दिया हरे में, जिसकी बनाएंगे बढ़िया वाला मट्ठा, रेड रेड सा हो जो। और इधर पेड़ों में पानी, आज ड्यूटी लग गई मम्मी जी की तो पेड़ों में पानी डाल दिया। और अब भैया बच्चों के डैडी जी को भी जगाएंगे, उन्हें भी चाय पानी देके, क्योंकि फिर वे भी ऑफिस के लिए निकलेंगे। तो जी चलिए अब करते हैं और पोचे वगैरह का काम, क्योंकि झाड़ू तो लगी थी। तो चलिए फटाफट से निपटा लेते हैं क्योंकि आज बच्चे चले गए तो जी काम तो जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि बच्चे नहीं करने देते घर पर, कुछ ना कुछ बच्चों का लगा ही रहता है। तो गाइस देखिए आज हमने अपना दूध इसमें रख दिया था ना, तो जी अभी ये बार बार चेक भी करना पड़ेगा कहीं उबल तो नहीं रहा। तो अभी तो ये उबल नहीं रहा, धीरे धीरे इस पर उबाल वैसे लग जाएगा इसमें और मलाई भी आनी शुरू होगी इसमें। तो जी से अभी थोड़ा सा ऐसे ढक देते हैं, फिर बड़ा वो ढक देंगे, कभी बिल्ली वगैरह ही आके सारा दूध पी जाए हमारा। तो जो ये इसका ये है ना कवर, ये ढक देंगे फिर इस पर, ये हैवी है बहुत, इसे बिल्ली हटा नहीं पानेगी। तो गाइस देखिए हम कर रहे जी अब तैयारी पनीर बनाने की। तो हमारा पेस्ट बढ़िया से प्याज का और टमाटर का बढ़िया से भुनने लग रहा, देखिए जब तेल छोड़ने लगे ना, कढ़ाई छोड़ने लगे तो तब समझो कि बढ़िया भुन गया ये पेस्ट। तो गाइस देखिए हमारा पेस्ट बढ़िया भुन गया और गाइस इधर हमारा पनीर भी कटिंग करे हुए पहले से ही रेडी है, जो हमने कल शाम बनाया था घर से ही बनाया हुआ। गाइस देखिए हमारा घर का ही बनाया हुआ प्योर पनीर है। और अब इसमें डाल देंगे जी थोड़ा सा दूध, पानी मैं अपने पनीर में नहीं ऐड करती। तो भाई देखिए अब इससे बस ग्रेवी तैयार कर लेंगे, सब बढ़िया से पका लेंगे, मलाई वगैरह सब इसी में ही थी। इसमें बढ़िया उबाल लगा लेंगे और फिर हमारा बढ़िया बढ़िया मज़ेदार पनीर बनकर रेडी हो जाएगा, क्योंकि बच्चे 2-3 दिन से जिद कर रहे थे पनीर खाने की। सुबह लंच में लेकर गए हुए पनीर के पराठे और अब बना दूंगी उन सबके लिए पनीर की सब्जी। तो भाई देखिए हमारी पनीर की सब्जी बढ़िया बनकर रेडी होगी जी, आप देख सकते हैं बच्चों की मैंने निकाल दी देखिए जी बिना मिर्ची की। और इधर हमारा सबका पनीर आप सबका सबके लिए बनाया है गाइस,
सब खाइए आइए जी। और इधर बना रही हूँ, देखिए मैं रोटियां डाल रही और बच्चे देव से मांग रही थी पूरी, तो जी उनके लिए पूरियां उतारूंगी। तेल रख दिया मैंने गर्म होने के लिए, तब तक मैं अपनी रोटियां सेक रही क्योंकि हम सब तो रोटियां ही खाएंगे। तो गाइस देखिए बच्चों के लिए भी गर्मा गर्म फुली फुली पूरियां बनकर रेडी होगी, और थोड़ी देर में जब मैं आएंगे ना स्कूल से तो तब आकर खा लेंगे। तो अब सभी को खाना खिला देते हैं गाइस घर में। गुड आफ्टरनून, कैसा रहा आज स्कूल का पहला दिन? मन लगा है? मन लगा? गुड आफ्टरनून, मन लगा? थक गए? आ जा मेरा बेटा, थक गया मेरा तो बेटा, आ जा मेरा बच्चा। लंगड़ी टांग चल के आया दो बार। क्यों लंगड़ी टांग से चला? अरे वाह, तो गाइस देखिए देवशी को तो मिला है फर्स्ट डे ऑफ स्कूल यूकेजी 1 फ्लावर मिला देवशी को, कितना प्यारा। पानी भर लियो, यूकेजी में नहीं हूं बेटा, तेरी मम्मी भर देगी ना, हम बन जाएंगे यूकेजी में। लो हम आए यूकेजी में, तो देवशी की अम्मा जी आ गई यूकेजी में। देवशी की अम्मा जी ने ले लिया एडमिशन है, और क्या, अम्मा जी ने एडमिशन ले लिया यूकेजी में। शर्म लग रही यूकेजी में तो देख लो, यूकेजी से ही बेटा यहाँ तक आई, ठीक है यूकेजी से ही फोर्थ में आई, ना कि फोर्थ में डायरेक्ट आ गई। भूल गई तू, तूने तो सारी चीजें करी है। अरे से देख लो गाइस, हमारी चुलबुली गुड़िया को आते ही अपने वही सामान उठा ली जिनसे कल पूरा दिन खेल ली। चलो बेटा चेंज कराओ, आओ ओए लड्डू, चलो चलो चेंजिंग चेंजिंग आओ चलो। अभी मैसेज नहीं आया, थोड़ी देर में मैसेज आएगा तब पता चलेगा। क्या क्या इसमें झगड़ा? देवशी दिखा देगी, छोड़ दो चलो। ठीक है दिखाओ चलो सबको। सबसे पहले फाइल होल्डर, क्या है ये? ओरिगेमी शीट्स। अच्छा, नॉर्मल क्या है बेटा ये? नॉर्मल नॉर्मल वाली। अच्छा नॉर्मल सीट्स में कब जाने क्या? और ये ग्लिटर, इस ग्लिटर सीट्स। अच्छा, और ये है वाटर कलर, और भाई ये वाटर कलर। देखो फ्रेंड्स, हाँ दिखा दो, कोई नहीं कोई नहीं, दिखाने दो एक बार खोल के दिखा दो, दीदी दिखा देगी। चल दिखाओ, ये पेंसिल और ये कॉटन, कॉटन रोल, कॉटन रोल, ये ग्लू स्टिक, ये फेविस्टिक फेविकोल, ये आइसक्रीम स्टिक, ये कलर, ये इन चीजों की स्लिप है, तो सामान की स्लिप, और ये नोटबुक्स, और ये डबल टेप। ये इसमें इसकी क्या जरूरत पड़े भाई डबल टेप की? चिपकाने पे। अच्छा, तो भाई जी है देवशी का सामान जो कल हमें स्कूल में जमा करना है एक्टिविटी का, ये एक साल के लिए इसका सामान। और इनमें भी इरेजर रह रही ना, इरेजर शॉर्पनर के डब्बे रह रहे इनमें, ठीक है। तो भाई देखें ये है गुगली आईज, ये मेरी पुरानी वाली है, ये तो मैं है जो टेडी बियर के लग ही रहे हैं, ये वो तो नहीं तो मोटी। अच्छा उनको मोटी सी लगा, ऐसी नहीं लगती उनके टेडी बियर के। पापा लाना बोल रहे तो मैंने इस वाले पे, इसमें मेरे हॉट स्टिकर्स थे स्टिकर वाले, तो मैंने इसमें से मेरी सारी वो भी। अच्छा, और आ जाएंगी
देखे हमने आज मंगवाई थी ऑनलाइन मच्छरदानी, और मच्छरदानी तो बढ़िया निकली फुल्लों वाली। वैसे हमने ऑर्डर करी भी थी, हमने तो प्लेन में ऑर्डर करी थी, आ गई लेकिन फुल्लों में। दो मच्छरदानी मंगवाई। मम्मी जी बताओ कैसी वैरायटी लग रही है इनकी? बढ़िया लग रही ना, लंबी चौड़ी। हाँ लंबाई फूल है इनकी, लंबाई चौड़ाई पूरी है, बढ़िया कपड़े हैं। हाँ गाय जी हमने ऑनलाइन मंगवाई है, ये 550 में दो आई, 551 रुपए में दो मच्छरदानी आई है, 277 की, 277 की तो बैठ रही है एक मच्छरदानी। वैसे तो 600 की बैठी थी, कुछ डिस्काउंट हुआ इन पे तो? इनमें एक बार मम्मी जी सिलाई लगा रही, वैसे तो काफी मजबूत है सिलाई, डबल लगा रखी, लेकिन एक बार और अपने आप जब तक खुद मजबूत ना करे तो मन सा नहीं मानता अपने आप काम करना जरूर पड़े। लाइट वेट है, हैवी भी नहीं है। तो भाई देखियो बताइयो कैसी रही हमारी मच्छरदानी, वैसे तो अच्छी है। फूलों वाली गोट वगैरह भी लगी हुई, नीचे दबाने के लिए भी बढ़िया स्पेस है साइडों में। तो गाइस देखिए आज इन्होंने खाई की देसी स्टाइल में खाना, एक साइड इसने आलू टमाटर की सब्जी और एक साइड कढ़ी और बीच में लगवा ली चावल। मम्मी बताओ मैंने पापा के पास जब कैमरा लेके गई ना, सुमित पापा बोल रहे थे मेरी ना वीडियो बनावे, ये शर्मावे मैं कैमरा फेस नहीं करते। तो गाइस देखिए बच्चों के डैडी आ गए जी ऑफिस से, और टाइम हो गए 8:30 बज रहे, आज ये रुड़की चले गए थे, ने रुड़की थोड़ा सा काम था, और देवसी देखिए सो गए थके क्योंकि सुबह ही स्कूल जा, तो आज दिन में भी नहीं सोई थी, 2:30 बजे आई थी तो ये थक के सो गई, और प्रीत कर दी थी वेट और आंखें बंद करे बैठी कि पापा मेरे लिए कुछ लेकर आए होंगे वो मुझे देंगे। तो जी पहले मिलिए पति देव से, गुड इवनिंग जी, क्या लेकर आए? देखिए क्या लेकर आए, क्या कैसे कुदे? अच्छा कुदे मुँह में, दिखा दिखा कैसे कूदेंगे मुँह में, क्या कूद पड़ा? तो गाइस देखो दिखाते हैं प्रीत के मुँह में क्या कूदेगा। अरे तो नहीं फाड़ रही, जब हम गिरा आराम से फाड़ो, अजीब निकाल, चलो दिखाओ, मैं डालू आ करो आ देखो, इधर कोई रखो मुँह सामने को सबको दिखेंगे, जीप बाहर कर घुमाओ पर थोड़ी सी, अब देखो जा फिर जा, ये कुछ नहीं कूद रहे, आवाज आ रही है, आवाज कहाँ देखो, आवाज आ रही देखो देखो टक टक की आवाज आ रही, मैं नहीं खाती। अरे देख तो बाबाई तो गाइस देखिए प्रीत ने मेरे मुंह में डाल दिए थे मैजिक पॉप्स है ना, और गाइस जिससे तो बड़ी अजीब सी आवाज आ रही थी, ऐसा लग रहा जैसे बार बारिश हो रही है, टप 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 टप। भैया मैं जैसे कभी भी भूल चली अपनी उस पे ना डालूं, ऐसे जंप लगा रहे थे तो मुंह में। और पति देव लेकर आए हैं जी सभी के लिए जलेबियां भी। आइए गाइस सबसे पहले आप खाइए, मेरी यूट्यूब फैमिली छोटे छोटे पीसेज में आई जलेबी, और देवसी सो गई